नमस्कार, मैं शिवानी सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। चीन की नई करतूत, लद्दाख में पेट्रोलिंग में बाधा डाली। एलएसी पर जारी तनाव के बीच चीन अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की कार्रवाई से बौखलाए चीन ने एक बार फिर लद्दाख में पेट्रोलिंग में बाधा डाली। चीन के सैनिक 63 में से 10 पॉइंट पर अड़े हुए हैं। चीन की ओर से पेंगोंग गलवान के पास इन्हीं 10 पॉइंट पर पेट्रोलिंग में रुकावट डाली गई। कई बार वार्ता के बावजूद चीन मानने को तैयार नहीं है और दोनों देशों की सेनाएं पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील के पास 4 स्थानों पर राइफल रेंज में हैं। भारत ने चीन को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उसे किसी भी कीमत पर एक तरफा यथास्थिति में बदलाव नहीं करने दिया जाएगा। ताइवान को लेकर एक बार फिर अमेरिका और चीन आए आमने सामने। अमेरिका और ताइवान के अधिकारियों के बीच सुरक्षा को लेकर चल रही वार्ता से नाराज चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा का उल्लंघन किया। चीन के 18 जेट विमानों ने ताइवान स्टेट के मध्य रेखा को पार किया। इसके साथ ही ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन फिर आमने सामने आ गए हैं। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री की ओर से ट्वीट में कहा गया कि 18 सितंबर को चीन के 2 H-6 बमवर्षक, 8 J-16 जेट विमानों, 4 J-10 युद्धक विमानों और 4 J-11 विमानों ने ताइवान की सीमा का उल्लंघन किया है। अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़, बंगाल केरल से 9 आतंकी गिरफ्तार। NIA ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में अलकायदा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 6 पश्चिम बंगाल और 3 केरल से गिरफ्तार किए गए हैं। NIA के अनुसार इन सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित अलकायदा आतंकवादियों ने कट्टरपंथी बनाया था और NCR सहित कई स्थानों पर हमले के लिए प्रेरित किया था। इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार, फायर आर्म, बॉडी आर्मर आदि बरामद किए गए हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 53 लाख के पार, 93,000 से ज्यादा नए केस। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। एक दिन में 93,337 नए मामले सामने आने के साथ कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 53,08,015 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार एक दिन में 1,247 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 85,619 गई है। देश में 10,13,964 एक्टिव केस हैं, जबकि 42,08,432 लोग उपचार के बाद कोरोना से रिकवर हो गए हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और यह 1.61% है। कोरोना वैक्सीन को लॉन्च करने की तैयारी में है अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना। अमेरिका की जैव प्रौद्योगिकी कंपनी मॉडर्ना जल्दी ही कोरोना वैक्सीन को बाजार में लाने की तैयारी में है। मॉडर्ना mRNA-1273 के नाम से कोरोना वैक्सीन विकसित कर रही है। मॉडर्ना के CEO स्टीफन वैंसन ने कहा कि कंपनी की एक वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में है, जबकि 4 वैक्सीन दूसरे चरण में है। वहीं रूस ने कोरोना संक्रमण के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों को कोरोनावीर नामक दवा बेचने को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते से डॉक्टर के पर्चे पर यह दवा खरीदी जा सकेगी। इससे पहले अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ही यह दवा देने को मंजूरी दी गई थी। कोरोना महामारी के बीच चीन से आई एक और नई बीमारी। कोरोना महामारी से अभी राहत नहीं मिली थी कि इसी बीच चीन में एक और नई बीमारी ने पैर पसार लिए हैं। ये बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैली है। चीन के गंसू प्रांत के स्वास्थ्य आयोग का कहना है कि 3,245 लोग नई बीमारी की चपेट में आए हैं। आयोग के अनुसार यह बीमारी पशुओं के संपर्क में आने से होती है। इस नई बीमारी को मेल्टा फीवर या मेडिटेरियन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बुखार और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। CM बोले, यूपी में सरकारी नौकरियों में 5 साल की संविदा का कोई प्रस्ताव नहीं। यूपी में समूह ख और ग की सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा के प्रस्ताव पर योगी सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियों में नए नियम लागू करने का कभी कोई फैसला ही नहीं हुआ।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 5 साल तक संविदा पर रखे जाने की बात पूरी तरह गलत और अफवाह है। सरकार ने न तो इस तरह का कोई फैसला लिया है और न ही भविष्य में ऐसा करने का फिलहाल कोई विचार है। डिप्टी सीएम ने 50 साल की उम्र में सरकारी कर्मचारियों को रिटायर करने की चर्चाओं को भी अफवाह करार दिया है। आज से आईपीएल 2020 का आगाज, मुंबई और चेन्नई के बीच पहला मुकाबला। आज से आगाज हो रहा है। इस दौरान पहला मुकाबला तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस और सर्वश्रेष्ठ फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। कोरोना महामारी के कारण इस बार आईपीएल का आयोजन यूएई के 3 शहरों दुबई, शारजहां और अबू धाबी में हो रहा है। आईपीएल के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब इसका आयोजन विदेशी जमीन पर हो रहा है। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 10 नवंबर को होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव।